am. Everyone, how are you? I hope everyone is looking on you. Okay, today's topic is Bresenham's line algorithm. Before starting Bresenham's line algorithm, we had to discuss about the previous lecture. What we had discussed in the previous lecture, that is nothing but it is the computer graphics standard, graphics standard, and computer graphics function actually. So we had discussed in the previous lecture yesterday. So मैंने आपको बताया था कि उसमें सॉफ्टवेयर जब हम बात करें सॉफ्टवेयर में क्या क्या सॉफ्टवेयर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं. मैंने बताया था कंप्यूटर ग्राफिक्स के एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहला कंप्यूटर ग्राफिक्स एलिमेंट्स से आप क्या उसमें समझते हैं. मैंने बताया था कि डिलीट कर सकता है या फिर वो
मॉडिफाई कर सकता है उस पर्सन को जो पर्टिकुलर पर्सन है ट्राई कंप्लीट ट्राइंग जो पर्टिकुलर पर्सन है। तो बेसिकली हम यही आपको बताना चाहते थे कि सेगमेंटिंग फंक्शन क्या होता है। और जब लास्ट सबसे जो पॉइंट था जो फंक्शन में ग्राफिक्स फंक्शन में आता है लास्ट फंक्शन था वो था हमारा यूजर इनपुट फंक्शन। तो जो यूजर इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि जो भी हमको कमांड देना होता है आपको टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी हम कमांड देते हैं लाइक सर्कल बनाना है लाइन खींचना है या पॉइंट कमांड या फिर कमांड जो भी हमको हम राइट करते हैं वो हमारा यूजर इनपुट डिवाइस में आता है। फिर मैंने आपको सिर्फ बताया था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम जो है तो कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम में क्यों बताया था कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम इसलिए बताया था कि हमारे नाउडेज ये है कि टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डे वाइज जो हमारे नए नए हमने आपको इसलिए बताया था कि हमारे आपके पास जो भी सिस्टम है जो भी सॉफ्टवेयर आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप उसको टाइम टू टाइम पर उसको स्टैंडर्डाइज करते रहें मतलब अपडेट करते रहें। तो वो कैसे अपडेट करेंगे आपको मार्केट में जाके आपको स्टैंडर्डाइज अपग्रेडेड जो है सॉफ्टवेयर आती है उसको आपको उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा अपडेट करना पड़ेगा। उसी में हमने बताया था एक जीके बताया था उसमें बताया था ग्राफिक्स कन्वर्ट सिस्टम बताया था तो उसमें हमने बताया था उसका मेनली क्या यूज था उसका यूज है कि प्रोवाइड द सेट ऑफ प्राइम फीचर फॉर टू डायमेंशनल वेक्टर ग्राफिक्स सुटेबल फॉर चार्टिंग एंड सिंपल जो चार्टिंग और चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट बनाना है उसको टू डायमेंशनल बनाना है। तो हमने बताया था कि GKS बहुत साल पहले 1977 में आया था तो उस टाइम हमने क्या था बताया था उसका बताया था कि GKS एक ऐसा सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड है जिसका हम लोगों ने यूज किया है। उसके बाद आपका एक PHGIS में आया था कुछ एक और आया था सॉफ्टवेयर computer graphics interface. Nowadays, VDI is also known as CGI.
computer graphics interface. Computer graphics interface.
आई होप आपको समझ में आने वाला है कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम के क्या क्या होते हैं, ये सारे क्यों कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम होते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को ये सारी चीज़ें यूज होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। नाउ ऐसे multi subtraction and multi
application operation. What is application? Multiplication operation. Actually, multiplication operation. Right? This is the second point. What is this? The first one is that this algorithm is used for scanning according what? Line. It is developed by the Bresenham. Right? Bresenham is one of our engineer and one of the scientists. So, second one is first one is this algorithm is used for scanning according line. Second point is it is an efficient method because it involves integer addition, subtraction, and multiplication operation. Right? And their operation, and these operations can be performed. Next third point, these operation can be performed very rapidly so line can be generated quickly. Y1 को दो कोऑर्डिनेट पता है, x2 y2, राइट?
now we have to point out the parameters. So these two intermediate points we have to find out the product. This one is the x and this one is the x2. Suppose that this one is the x naught and this is the y naught. This is x1, y1, x2, y2, right? Another term, x1 to find out the coordinate, this coordinate, this coordinate, which we different different types of coordinate, find out the name. With the help of this man, try the algorithm. तो हमको अगर क्वाड्रेंट्स मिल गए तो सारे क्वाड्रेंट्स को एक मिला के मिलाएंगे तो क्या होगा, लाइन जनरेट हो जाएगी. तो बेसिकली एन इज नथिंग बट द स्लोप. तो इस फर्स्ट क्या है, अगर एन इज लेस देन 1 एंड स्लोप इज बिटवीन 0 टू 45 डिग्री देन क्या होता है. फर्स्ट स्टेप इज द स्टेप प्लॉट एम लाइन इज गिवन. फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1. फर्स्ट स्टेप इज द इनपुट द टू लाइंस एंड पॉइंट्स input the two lines input the two line input the two lines and two line end points as two line end points as with x1 y1 and x2 and दो कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, वो होना चाहिए x1 y1 एंड x2 y2. दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना चाहिए. उसके बाद सेकंड है इनिशियल वैल्यूज. स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड की हम बात करें तो वो आ जाएगा स्टेप सेकंड में कैलकुलेट द डिस्टेंस. कैलकुलेट कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू. कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन, डी वाई इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एंड पी नॉट. इसको आप याद रखना पड़ेगा, p not equals to dy minus dx. From this, it is the initial calculation of the given values for drawing the typical part of the line. So, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, p not is nothing but that is the decision variable. p not is what, p not where p not is decision. अगर इसका dx इसकी वैल्यू करते हैं, अगर dx मोड़े
current xy coordination. ठीक है, मतलब हमारे पास अगर कोई वैल्यू एक्स वाई नहीं हुई है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स और वाई ग्राफ से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को करेंगे, प्लॉट कर देंगे, मेंशन कर देंगे. ठीक है, तो स्टेप 4 तक है. और अब टू स्टेप 5, नाउ एग्जामिन वेदर द एंटायर लाइन हैज बीन ड्रॉन. इफ एक्स इज मोर देन एक्स एन देन स्टॉप. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर कंडीशन है, तो कंडीशन कुछ अलग नहीं, सिर्फ एक्स
और y क्या इंटरचेंज हो जाएगा बेसिकली आप देखिए x और y में इंटरचेंज हो जाएगा बेसिकली ठीक है ओके तो ये हमारा किस कैसे भी होगा कि जब भी आपका m स्लोप जो है लेस देन 1 है तो स्लोप स्लोप लेस देन 1 होगा तो आपको ये एल्गोरिथम फॉलो करना पड़ेगा ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराना शुरू करूंगा इस बेसिस पे तो बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत डाउट भी होगा आपको तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये सारे स्टेप आपके याद हो जाएंगे तो ये भी कंसीडर किया था जब हमारा एम इज लेस देन 1 है अब मैं आपको कंडीशन बताऊंगा एम इज मोर देन 1 तो एम इज लेस देन 1 में जो चीजें स्टेप हैं और जो एम इज मोर देन 1 में बेसिकली कुछ सब कुछ सेम रहेगा बस इंटरचेंज होगा x का y से इंटरचेंज होगा तो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी कंडीशन नंबर 2 m is more than 1 m is what slope is hamara 1 se adhik aa jayega jaate aa jayega to us case mein jo hai hamara condition straight jo algorithm hoga wo change ho jayega aur changes mein coordinate mein change ho jayega x aur y mein change ho jayega inter change ho jayega theek hai baaki sare formulas jo hai bas main aapko link de raha hu bas ye to par connection kya hoga कंडीशन बी की अगर बात करें बी ये सेकंड सेकंड लिखना है उसको पहले फर्स्ट लिखना है इसमें क्या होगा एम इज मोर देन 1 और एंगल होगा दैट इज स्लोप जो होगा वो 245 टू 90 डिग्री स्लोप जो बिटवीन होगा स्लोप इज बिटवीन 45 Now examine whether the entire line has been drawn. It's weak. If
y is less more than yn, then it stop to go on, then it stop. And next step is find out the next step pixel. Next step, that is step number 6. Now, calculate the location of the next pixel. Calculate the location of next. Calculate the location of next pixel. Location of next pixel. First one, if P is less than 0, then PI plus 1 equals to PI plus 2DX. And X next coordinate equals to second, if P is more than 0, if P is more than P, then P is the initial value, that is the variable. P is more than 0, then PI plus 1 equals to PI plus 2DY minus DX. And xi plus 1 x coordinate equals to xi plus 1 x coordinate equals to xi plus 1. Right? So this is step number 6. हो सकता है कि आपका वो डाउट है
बट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली हमको डेटा और पूरा जो है एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।